गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योर स्किन जेंटल फेस वॉश। सो आई जस्ट वोक अप राइट नाउ एंड यू नो, जब से मैं बीमार हुआ था, काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आया कि लुपसा आप कैसे हो। ऐसे ना अच्छा लगता है जब लोग आपकी ना परवाह करते हैं। यू नो, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी YouTube की फैमिली मुझे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव फैन, यू नो, जो मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आए हैं ना, थैंक यू सो मच। मेरे इंस्टाग्राम में ना भर भर के मैसेज आए हैं कि लुपसा कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है एंड ऑल। थैंक यू सो मच एंड आई एम गुड नाउ। हाँ, दो तीन दिन से काफ़ी बुरा टाइम रहा था, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई प्रोमिस आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ मोर नाउ। ओके, okay, my skin is very dry, moisturizer time. By the way guys, I have started using this moisturizer from Pure Skin. I just love it. Well, basically it's a ceramide care cream with hyaluronic acid, which you know is very good for your skin. So yeah, let me show you ki main kaise. आप देख सकते हो मैंने अभी मॉइस्चराइजर लगाया एंड लगाते ही देखो, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर, ये मेरी स्किन को बहुत हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है एंड ऑल्सो इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री। नाउ लेट्स गो फॉर सनस्क्रीन। क्योर स्किन का ये मिनरल सनस्क्रीन जेल। सी, अगर आप बाहर भी नहीं जा रहे हो, घर पे बैठते हो, तब भी यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नेसेसिटी। मैं सनस्क्रीन बहुत लगाती हूँ क्योंकि पहले मुझे ना पिगमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम थी ना, तो एवर सिंस आई नो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग क्योर स्किन प्रोडक्ट्स, मेरे पिगमेंटेशन इतने कम हो गए ना, इतने कम हो गए, इतने लाइट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी द रिजल्ट फ्रॉम माय फेस। पहले मेरे पिगमेंटेशन के टाइम पे कैसा था और अभी मेरी पिगमेंटेशन कितनी लाइट हो गई है। मुझे काफ़ी लोगों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि दीदी, जो आपने क्योर स्किन ऐप हमें सजेस्ट किया था, हमने यूज़ किया है एंड दे लव इट, दे टोटली लव इट। मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया है, मैं आपको दिखाती हूँ ये चैट। अच्छा लगता है यू नो, ऐसे मैसेज देखे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यू नो। आई एम हैप्पी कि आप लोगों को अच्छा लगा, जो मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोगों को भी अच्छा लगा। ओके, सो जिनको नहीं पता है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जरा मैं बता दूँ, क्योर स्किन एक ऐप है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे, आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे बैठे आप अपना स्किन दिखा सकते हो डॉक्टर को। सो बेसिकली क्योर स्किन ऐप में आप अपना फोटो लेना होगा, यू नो यू हैव टू टेक पिक्चर ऑफ योर स्किन, टेक पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, फिर वो ऐप डिटेक्ट करेगी आपकी स्किन प्रॉब्लम क्या है, दे विल एनालाइज योर स्किन प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम दे विल गिव यू द प्रोडक्ट्स। जैसे मेरा था, पिगमेंटेशन बहुत डार्क था, बट एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग द क्योर स्किन, मेरा पिगमेंटेशन बहुत लाइट हो गया। आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने ही है, मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोल रहा, आप बिल्कुल देख सकते हो। एंड ऑल्सो द बेस्ट थिंग अबाउट द क्योर स्किन ऐप इज दे विल गिव यू अ फॉलो अप मंथली, वो भी बिल्कुल फ्री में, एंड ऑल्सो दे विल गिव यू अ डाइट प्लान फ्री में, कंसल्टेशन फ्री, एवरीथिंग इज फ्री।
बट यू जस्ट हैव टू पे फॉर द प्रोडक्ट जो आपके लिए रिकमेंड होगा वो आपको पे करना पड़ेगा. एंड देयर प्रोडक्ट्स आर सो अफोर्डेबल, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल. जैसे मेरा है, मेरा किट पूरा अंडर 1500 आया है. इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड आई लव हाउ यू नो वन प्रोडक्ट लास्ट अराउंड 2-3 मंथ्स. जैसे ये क्रीम है, आई बीन यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, अभी भी देखो है. सी प्रोडक्ट लास्ट करता है अराउंड 2-3 महीना लास्ट करता है. तो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी अफोर्डेबल, लास्ट अराउंड 2-3 मंथ्स एंड ऑल्सो इट्स वेरी इफेक्टिव. I just love it, you know. पहले के टाइम पे I was very reckless about my skin care. पहले तो मुझे इतना वो नहीं था, but I just love doing my skin care routine now. You know, जब आपके face पे effect दिखता है, जब आपके face पे फर्क नजर आता है, तो आपको और मन करता है करने का. तो thank you so much your skin, मेरे skin को इतना अच्छा करने के लिए. One more good news, guys. You can use my code LOPSANG100 and get additional 100 rupees off. Yes. But guys, एक चीज याद रखना, ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 50 लोगों को ही मिलेगा. So guys, जल्दी जाओ और मेरा कूपन कोड यूज करो एंड गेट 100 रुपीज ऑफ. यस. स्वीट पोटैटो मैं बच्चों को ना गर्म करके दूंगा. ये सिंबला मैं कल जा रही हूँ बैंगलोर, तो मैं आज मैंने इसलिए अपने बच्चे को बहुत पैम्पर किया. मैंने उनको अच्छे से यू नो मैंने उनको आज अपने हाथों से नहलाया. आज तो मैं अभी उनको डिनर चिकन खिलाने वाला हूँ. मैंने चिकन बना के रखा है, चिकन बॉईल करके रखा है. एंड आज मैं उनको पार्क भी लेके गया. तो या मैं कल बैंगलोर जाऊँगी तो मतलब 3-4 दिन बच्चों से नहीं मिल पाऊँगा, तो इसलिए मेरा दिल थोड़ा भारी भारी से लग रहा है. एंड अभी लोपसंग नहीं है ना घर पे, तो लोपसंग अपने दोस्त के पास गए, तो मैं अपने बच्चे
पता है मैं बहुत टेंशन में आ गए थे कि मैं बच्चे किसको बोलूँ, किसके पास रखूँ। एंड मैंने पहले सोचा था कि मैं बच्चे बोर्डिंग स्कूल में दे के आओ, जैसे हमारा जैसे होता है ना आठवीं के बच्चे का बोर्डिंग हॉस्टल होता है ना, ऐसे ही नोएडा में ना डॉगीज का बोर्डिंग है ना, तो मैंने सोचा पहले उनको दे दूँ। बट फिर पता है दिल में ऐसा होता है ना कि वो लोग कैसे रखेंगे, आई डोंट नो ना, तो मुझे पता भी नहीं है। तो इसलिए मेरे तीनों बच्चे चुनजुंग, जेमा, छिरिन, मेरा एक ट्रस्टेबल इंसान है उसके पास रखी जा रही हूँ। आई एम गोना ट्रस्ट हिम कि वो मेरे बच्चे को अच्छे से देखेगा, बस 3-4 दिन की बात है एंड आई होप वो अच्छा से देखेगा। ओके, आई एम काउंटिंग ऑन यू, तो प्लीज़ मेरे बच्चों को देखना अच्छे से, मेरे बच्चों को ख्याल रखना, मेरे बच्चों को अच्छे से खाना खिलाना, प्लीज़ खाना खिलाना मत भूलना। और मेरे बच्चे को यार एक दिन में बस 10-15 मिनट वॉक लेके जाना, 3 दिन की बात है, प्लीज़। ओके, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग, इफ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ मेरे बच्चे को अच्छे से देखना, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊँगा। एंड या पहली बार किसी के हाथ में छोड़ के जा रहे हो ना, तो ऐसा मन थोड़ा सा घबराहट सा हो रहा है। जब पहले जाते थे ना, लव सॉन्ग होता था ना, तो इतना मुझे वो नहीं होता था पता है, क्योंकि अब जिस इंसान के पास छोड़ के जा रहे हो ना, तो पहली बार छोड़ के जा रहे हो ना उसके पास। सो कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट हिम। या तो या मैं बेंगलोर जा रही हूँ कल, एंड yeah, that's it. ये मैंने बॉइल कर दिया है एंड ये शैतान लोग रेडी है, देखो कैसे रेडी। तो जैमा को मैंने खाना इधर दिया, चुंगचुंगू को खाना इधर दिया और छिरिन को खाना इधर, अलग अलग, क्योंकि वरना ये लोग लड़ाई करते हैं। छिरिन बहुत जल्दी खाएगी, देखा। चिकन तो बहुत जल्दी खाते हैं ये चिकन।